सब अंदर तशरीफ ला चुके हैं। चंद ही लम्हात में जनती दरवाजा खुल जाएगा। देखिए एजेंसी दरवाजा खुल चुका है। दीवान साहब ने अपने मुबारक से नाज़रीन किराम ऑडियो आ रही है। नाज़रीन इस वक्त हर तरफ हक फरीद या फरीद की आवाज है और बंशती दरवाजा खोल दिया गया है। दीवान मदूद मसूद चिश्ती साहब ने दरवाजा खोला है। एक जम्मे गफीर है यहाँ पर और ये बंशती दरवाजे से पहले दीवान साहब दाखिल हुए हैं, फिर उसके बाद तमाम तर वो मेहमानान ग्रामी कदर जो इस वक्त अंदर दाखिल हो रहे हैं और ये मनाजिर आप लाइव देख रहे हैं। हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने यहाँ पर फरमाया था कि जो भी इस दरवाजे से गुजरेगा उसके लिए अमान है, उसके लिए बिशारात दी। इसका नाम बाब जन्नत रखा गया। साल में 5 रोज के लिए, सिर्फ 5 रोज के लिए ये दरवाजा खोला जाता है जिससे हर खास व आम गुजरता है और ये बहिश्ती दरवाजे पर इस वक्त आप रश देख रहे हैं। नाज़रीन ये मनाजिर देखते रहिए और हमारे साथ रहिए। हर तरफ दुरूद व सलाम की आवाजें, हर तरफ अल्लाह मोहम्मद चार यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद हक फरीद या फरीद की आवाजें हर तरफ से यही सदाएं आ रही हैं और इस वक्त यहाँ पर हर खास व आम की ये ख्वाहिश है कि इस बहिश्ती दरवाजे से गुजरे। हमारे साथ रहिए, ये मनाजिर देखते रहिए, हम आपको लाइव ये मनाजिर दिखा रहे हैं। शहबाज कमर फरीदी आप माशाल्लाह, शहबाज फरीदी हमारे साथ हैं, मिनिस्टर औकाफ साहब हमारे साथ तशरीफ फरमा हैं और कोऑर्डिनेटर साहब जो चीफ मिनिस्टर के कोऑर्डिनेटर हैं वो भी यहाँ पर तशरीफ फरमा हैं। मैं इनसे गुजारिश करना चाहता हूं कि इस वक्त जो यहाँ पर हालात हैं सिक्योरिटी के, हम देख रहे हैं पिछले सालों से बहुत अमन अमान है, बहुत सूरत हाल बेहतर है, लोग बहुत तादाद में आए हैं, क्या कहिएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप सब देख रहे हैं कि ये 708वां ये उर्स मुबारक है और मेरे कायद मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ खादम आला पंजाब ने खसूसी तौर पर यहाँ पे इंतजाम करवाए हैं। हमारे जेडे खालिद महमूद साहब मेरे साथ खड़े हैं। अल्लाह की मेहरबानी से हमने पूरे हर तरह से पूरे इंतजाम करवाए हैं। क्लोज सर्किट कैमरे हैं और मेटल डिटेक्टर और वॉक थ्रू गेट्स हमने लगाए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मुझे ये बताइए कि आप जिस तरह अपने गेस्ट का, मैं जब अंदर भी था तो आप अपने गेस्ट का बहुत ख्याल रख रहे थे कि जो मिनिस्टर्स आ रहे थे और जो खासो आम जो दूर से आने वाले हैं उनके साथ बड़ी मोहब्बत के साथ पेश आ रहे थे, इतने रश में ये मुमकिन हो जाता है? ये मुमकिन तो नहीं होता, लेकिन आप समझते हैं कि जो हमारे मेहमान हैं, हम चूंकि मेहमान नवाज हैं और सरदार अतीकुर रहमान चूंकि प्राइम मिनिस्टर आजाद कश्मीर हैं, हमें उनको बाबा फरीद की बारगाह में वो सलाम करने के लिए आए हैं तो हमने कोशिश करके उनको अंदर ले जाने तक कामयाब हो गए हैं। नाज़रीन ये मनाजिर इस वक्त बराह रास्त आपके लिए पेश किए जा रहे हैं।
ARYQ TV के जरिए पूरी दुनिया में इस वक्त बहिश्ती दरवाजे के मनाजर पेश किए जा रहे हैं। याद रहे मैं एक दफा फिर अर्ज कर दूं कि मनाजर सिर्फ 5 रोज के लिए साल भर में देखने को मिल सकते हैं, कि जब एक लंबी कतार है और वो भी मैं कोशिश करूंगा कि आपको दिखाई जाए कि जो इतनी तवील कतार जो है लगी हुई है पाकपतन के शहर के बाहर तक वो कतार जा रही है। और इस वक्त बहिश्ती दरवाजा खोल दिया गया है। शहबाज कमर फरीदी भी हमारे साथ तशरीफ फरमा है, ARY की पूरी टीम यहाँ पर तशरीफ फरमा है हाजी अब्दुर्रऊफ साहब की सरबराही में। और शहबाज फरीदी हर साल यहाँ पर ये अय्याम उर्स बाबा फरीद के यहाँ पर गुजारता है, मेहमानों की मेहमान नवाजी, जो आने वाले उलमा और मशायख इनके यहाँ ठहरते हैं। शहबाज भाई, ये जब दिन आते हैं कैसा लगता है आपको, जब हर तरफ फजाओं में हक फरीद या फरीद की सदाएं होती हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तस्लीम भाई, आप देख रहे हैं कि पूरी दुनिया से लोग माशाल्लाह हजरत बाबा फरीद शकरगंज रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पे हाजिरी के लिए पूरी दुनिया से लोग यहाँ तशरीफ लाए हुए हैं। और आप देख रहे हैं कि ये आशिकों का जम्मे गफीर जो नज़र आ रहा है आपके सामने, ये अकीदतमंद हजूर बाबा साहब से अल्लाह से खुशनुदी हासिल करने के लिए इस वलिए कामल की बारगाह में आए हैं, ताकि वलिए कामल अगर राज़ी हो जाए तो अल्लाह राज़ी हो जाए और हम सब की बात बन जाए। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ यहाँ की इंतज़ामिया का भी, आपका भी, आप सब लोगों का, कि जिन्होंने ARYQ TV से ख़ास अपनी मोहब्बतों का इजहार किया और यहाँ पर उनके लिए ख़ास इंतजाम, ख़ास मोहब्बतों का इजहार करते हुए कि ये ARYQ TV को अपना अपना चैनल समझते हैं, अपनी फैमिली का, कि जिस तरह दीन की तरबीज और इशात के लिए ARYQ TV काम कर रहा है, लोगों तक कुरान और सुन्नत की तालीमात पहुँचा रहा है, और औलियाए किराम के जिनको इस दुनिया से रुखसत हुए 750 साल से ज़्यादा का अरसा गुजर चुका है, 768 साल, अब भी दुनिया के कई खित्तों से, कमोबेश हर खित्ते से यहाँ पर लोग तशरीफ लाए हैं, और एक तवील कतार है इस वक्त बाहर भी, पाकिस्तान भर की तमाम नुमाइंदा गद्दियों से, तमाम आस्थानों से, खानकाहों से लोग यहाँ पर जमा हैं। मेरी नज़रें बहुत से मिनिस्टर्स को देख रही हैं, बहुत से सियासी समाजी शख्सियात यहाँ पर तशरीफ फरमा हैं, और ये तमाम शख्सियात साबिक गवर्नर गुलाम मुस्तफा खर साहब भी मुझे नज़र आ रहे हैं तौसा शरीफ से, ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया के जो सजादा नशीन हैं, जो दिल्ली से तशरीफ लाए हैं और इस उर्स पाक में शिरकत के लिए। आपके चंद कलिमात हजरत जी। आज तमाम आलम से यहाँ हजरत बाबा फरीद अंदर शकर रहमतुल्लाह अलैह के उर्स मुबारक में हाजिर हैं, मलाइका जिन बशर सब आज हजूर की बारगाह में हाजिर खिदमत हैं, सब अपने अपने अकीदत के नजराने हजूर की बारगाह में पेश करने आए हैं, और आज वहाँ जमा हैं जहाँ निज़ामुद्दीन औलिया महबूबुल्लाह ने एक बाब अमन कायम किया। आज हम इस बाब अमन के अंदर आ गए हैं और अल्लाह की अमान में आ गए हैं। मौला करीम इस अमन को बरकरार रखे और तमाम लोग यहाँ से फैजाब होकर जाएं। ख्वाजा नसर साहब भी तशरीफ फरमा है, मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि आप तौसा शरीफ के सजादगान में से हैं। हजरत, एक तो यहाँ पर आप तशरीफ लाते हैं और क्या देख रहे हैं ये आज का दिन बिलखसूस, चूँकि ये दिन बड़ा अजीम दिन है कि 5 मुहर्रम और यहाँ आज बहिश्ती दरवाज़ा खोला जाता है, क्या कहें? माशाल्लाह, बड़े खुशकिस्मती का दिन है आज। माशाल्लाह, लाखों फर्जंदान ने तौहीद गुजरेंगे, हजूर महबूब इलाही पाक साहब की रस्म जे बाबा साहब गरीबनाथ को खुदा तआला ने एजाज़ बख्शा हुआ है कि जो भी इस दरवाजे से गुजरेगा, महबूब पाक ने फरमाया क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने यहाँ देखा है, जो जहाँ से गुजरेगा वो फलाह पाएगा, वो जन्नत में जाएगा। सही। गुलाम मुस्तफा खर साहब साबिक गवर्नर हैं और यहाँ पर हाजिरी के लिए आए हैं। सर, एक मिनट मुझे दीजिएगा, तशरीफ लाइए। गुलाम मुस्तफा खर साहब हाजिरी के लिए यहाँ आए हैं और इस बात के मुंतजर हैं कि बहिश्ती दरवाजे से गुजरें। खर साहब, मैं यही कह सकता हूँ कि हम खुशकिस्मत हैं कि खुदा ने हमें यहाँ पहुँचाए, और मैं शुक्रगुजार हूँ ख्वाजा नसर साहब तौसवी का कि उनने मुझे दावत दी है, और हम तो सारी ज़िंदगी और हमारे आबा व अजदा बुज़ुर्गों के ग़ुलाम हैं और उनके खिदमत गुजार हैं, और खुदा करे कि ये हमारी हाजिरी कबूल हो और किसी न किसी तरीके से हमारी बख्शिश हो जाए, ये बहुत चीज़ बड़ी बात। आमीन। अमन और सलामती के ये मनाजर आप तशरीफ लाइए। चंद कलिमात आपके भी आज की बाबरकत और मुकद्दस दिन के हवाले से।
ये हम अपने मुकद्दस हुजूर के महबूबुल्लाह करीम नाज़ के फरमान के मुताबिक 5 को हर साल हाजिर होते हैं और बहुत अच्छे बेहतर इंतजाम हैं। रब करीम गफूर रहीम हमें और हम इस्तेताद दे हमेशा। क़िबला फखरी साहब से मैं गुजारिश करूंगा चंद कलिमात आप नुमाइंदा आस्थानों से गद्दियों से ये शख्सियात तशरीफ़ फरमा है सर। जो आज का दिन जी हमारे सिलसिले का बहुत बड़ा दिन है और इसमें जो हजरात इकराम ने जो मशायख उज़ाम ने जो फरमा दिया है वो मेरे लिए बहुत ही कदर कीमत रखता है और इससे ज़्यादा और मैं कुछ भी नहीं कह सकता। बहुत शुक्रिया। मुख्तलिफ शोबा है जिंदगी की शख्सियात बिलखसूस मशायख इज़ाम उलमा इकराम कसीर तादाद से पाकिस्तान भर से यहाँ पर तशरीफ लाए हैं और सियासी समाजी शख्सियात मिनिस्टर्स और सब लोग बाबा फरीद से इक्तसाब फैज के लिए यहाँ पर हाजिर हुए हैं। मैं आपको अंदर लिए चलता हूँ और इस खास तौर पर इस बहिश्ती दरवाजे से गुजरते हैं ये मनाजिर के जिसको जिससे गुजरने के लिए हर शख्स इस वक्त तड़प रहा है। आइए नाज़रीन मेरे साथ गुजरिए। हर तरफ हक फरीद या फरीद की सदाएं। नाज़रीन इस मंजर को आपने बराह रास्त ARYQ TV के जरिए देखा है और जिस तरह लोग मोहब्बतों का इजहार कर रहे हैं यहाँ पर लोग बहुत शुक्रिया। ये मनाजिर जो एक्सक्लूसिवली ARYQ TV के जरिए पूरी दुनिया में पेश किए जा रहे हैं और ये सब मोहब्बतों का इजहार है। एक साहबजादा गुलाम फरीद साहब आस्थाना गोड़ा शीफ से और पीर मनोहर हक साहब को भी मैंने यहाँ पर देखा, वो भी तशरीफ लाए हुए थे। साहबजादा साहब क्या कहिएगा चंद कलिमात यहाँ पर हाजिरी के। मैं तमाम को खुशखब इसकी मुबारक दूंगा जो यहाँ हाजिर हुए हैं तमाम हाजरीन को। तो इस वाले से मैं बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये मनाजिर इस वक्त जो आप देख रहे हैं हर तरफ खुशी है, हर तरफ तड़प है, तमन्ना है और अभी आवाम के लिए वो दरवाजा जो है वो खोल दिया जाएगा। अब मैं बिल्कुल आपसे तो मिलना चाहता हूँ खालिद साहब आज की इस तकरीब के लिए बहुत वसी पैमाने पर। खालिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं और इस वसी पैमाने पर लोग यहाँ पर शिरकत करते हैं, हाजिर होते हैं यहाँ पर और सबसे अहम चीज़ है कि अकीदत लेकर हाजिर होते हैं तो उनके जज्बात का भी ख्याल रखना है, एडमिनिस्ट्रेटिवली उन लोगों को हैंडल भी करना है, चीज़ों को मैनेज भी करना है। क्या कहते हैं आप? हम इन तमाम चीज़ों को मलूज़े खातिर रखते हैं लेकिन अकीदत से भरपूर जो ज़ायरीन यहाँ पर तशरीफ़ लाते हैं उनके जज्बात इस कदर हैं कि आप देख रहे हैं कि इसको बदनज़मी भी कहा जा सकता है लेकिन ये बदनज़मी नहीं भी कहा जा सकता कि क्योंकि आवाम के जज्बात इस कदर भरपूर होते हैं कि उसको आम आदमी बदनज़मी का नाम दे देता है। मैं कहता हूँ ये जज्बात है, लिहाजा हम इनको फैसिलिटेट इसलिए करना चाह रहे हैं कि ये इत्मीनान से अगर ज़रा थोड़ा सा सब्र कर ले तो यही काम बड़ी सहूलत के साथ हो सकता है। खालिद साहब बहुत शुक्रिया। ऊपर देखिए ये मनाजिर दीवान मौदूद मसूद साहब, ये जो मैंने धागा आपको दिखाया था इसे पेचा कहा जाता है, ये ऑरेंज ये तकसीम कर रहे हैं और नीचे आवाम का एक जम्मे गफीर है, लोग यहाँ पर दीवानावार इस पेचे के लिए कि ये तबरुक समझा जाता है, यहाँ का तबरुक समझा जाता है जो कि ले रहे हैं। और ये मनाजिर लोगों के जो आप देख रहे हैं, अगर हमारे कैमरामैन लोगों को भी दिखा सके कि किस तरह से लोग दीवानावार दीवानगी के साथ तड़प रखते हुए तमन्ना रखते हुए जी लोग महसूस कर रहे हैं। आइए नाज़रीन मैं आपको जी हाँ बिल्कुल हमने
गुजारिश की। जी हाँ, और नाज़रीन मैं आपको अब आपको लेकर जा रहा हूँ बहिश्ती गुजारने के लिए, बहिश्ती दरवाजा। आइए मैं आपको लेकर चलता हूँ दीवान अहमद मसूद चिश्ती साहब की सरबराही में। आइए ऊपर आ जाए, इसके ऊपर आ जाए, इधर आ जाए, ऊपर आ जाए।